मोबाइल लोकेशन 8 जून 2020 का मोबाइल लोकेशन किसका किसका चाहिए? दिशा सारियान, आदित्य ठाकरे, राहुल कनाल, सचिन वाजे जो पुलिस ऑफिसर है, सूरज पांचोली, एकता कपूर एंड ऑल अदर्स, उनके आसपास के 100 मीटर्स के एरिया में जो एक दूसरे से कनेक्टेड थे इनसे, आदित्य ठाकरे से, उन सभी लोगों का मोबाइल कनेक्शन, उनका स्पॉट, उनका डिटेल, लोकेशन, ये सब का जवाब दे। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन डन ऑन मोबाइल लोकेशन डेटेड 13 एंड 14 जून। शाह के जाने के बाद बॉलीवुड बदल गया था, पर आखिरकार कभी सोचा नहीं था कि सलमान से लेकर शाहरुख को भी कोई धमकी दे सकता है। पर आखिरकार सलमान को धमकियां देने वाले लोगों की वजह से आज सलमान को हम इस रूप में देख रहे हैं जो सोचा कभी नहीं था। मतलब एक टाइगर को आज हम घेरे के बीच में देखते हैं। क्या है पूरा मामला बताएंगे आपको डिटेल में, पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपको यहाँ पर सबसे पहले हम बता दें कि जहाँ पर हम सब देख रहे हैं, अभी हाल ही में एक फिल्म निकल के आई है टाइगर 3 में दिखाया गया कि किस तरीके से दुश्मनों को ख़त्म करके टाइगर लौट के आता है, यहाँ तक कि पाकिस्तान के PM को भी बचाया जाता है और वो टाइगर को असली शेर बताया जाता है। पर अभी हम जिस टाइगर की बात कर रहे हैं वो है सलमान खान। सुशांत केस जब हुआ तो सलमान को लेकर भी सवाल लोगों ने उठाए, यहाँ तक कि सलमान खान से उम्मीद रखी लोगों ने कि बहुत जल्दी भैया सलमान भाई जो है ये बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं और बड़ी बातें इनकी कहीं ना कहीं सुशांत के फैंस को तसल्ली देगी और सुशांत के फैंस को ये दावा करेगी कि आप टेंशन मत लो, सुशांत के न्याय के लिए हम भी बात करेंगे, हम भी आवाज़ उठाएंगे। पर ऐसा हुआ नहीं कहीं पर भी। उन्होंने अपने फैंस से जरूर अपील करी थी कि भैया सुशांत के फैंस के साथ लड़िए मत, वो कहीं ना कहीं समय परेशान है तो उनका साथ दीजिए, उनके साथ खड़े रहिए। वहीं पर कहा जा रहा है कि हाल ही में ये जो टाइगर है सलमान खान, इनको हमने गोवा में एक कहा जा रहा है कि इफ़ी फेस्टिवल चल रहा है वहाँ पर अवार्ड शो में जाते हुए देखा, वहाँ से भी लौट रहे थे तो भैया इनके पास जेट प्लस सिक्योरिटी है। जी हाँ, जब से कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने खुलेआम धमकी दी है और कई लोगों ने धमकी इनको जो दे रखी है, जो डेथ थ्रेट्स के कारण कहा जा रहा है कि इनको जेट प्लस सिक्योरिटी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर रखी है, उसी के साथ इनकी पर्सनल सिक्योरिटी भी है, जहाँ पर कहा जाता है कि शेरा को तो आप जानते हैं जो इनके पर्सनल बॉडीगार्ड है, और उसी के साथ कहा जा रहा है कि एक और बॉडीगार्ड है छह जॉडी पटेल नाम है उनका, वो भी अब उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं पहले तो सलमान खान की खुद की सिक्योरिटी और उसके बाद जेड प्लस सिक्योरिटी जो प्रोवाइड की गई है गवर्नमेंट की ओर से। इससे पहले हमने देखा था कि शाहरुख खान को लेकर भी ऐसी खबरें कुछ निकल के आती है कि शाहरुख खान भी सिक्योरिटी की मांग कर सकते हैं, क्योंकि पठान और साथ में उनकी एक और पिक्चर निकल के आई थी जिसके बाद बोला जा रहा है कि वो उनको भी थ्रेट्स आ रहे थे और वो भी सिक्योरिटी की मांग कर सकते थे। पर आखिरकार ये इतनी सारे थ्रेट्स अचानक से आना और सलमान खान को लेकर तो लॉरेंस बिश्नोई ने साफ बोला था कि जो काले हिरन वाला मामला था उसके लेकर वो माफ़ी मांगे और उनके गांव में जाके माफ़ी मांगे, और माफ़ी मांगेंगे तो हम माफ़ कर देंगे, अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम माफ़ नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई ने ये इंटरव्यू पूरे देश के सामने एक बड़े न्यूज़ चैनल में आकर बैठकर दिया था, जिसके बाद हड़कंप मच गया था कि भैया खुले हम लॉरेंस बिश्नोई इतनी बड़ी बात बोल सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। जिसके बाद सलमान खान को सिक्योरिटी मिली और वो सिक्योरिटी के तौर पर लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि भैया आज हम टाइगर को भी घेरे में देख रहे हैं। तो अब देखने वाला विषय कि आखिरकार ये सिक्योरिटी जो सलमान खान को दी गई है, ये सिक्योरिटी के तौर पर कब तक सिक्योरिटी उनके पास रहेगी? क्यों? क्योंकि जब वो आपकी अदालत में गए थे कि भैया जब हम दुबई जाते हैं तो वहाँ पर सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वहाँ भैया बहुत ही फैसिलिटी अच्छी है, पर इंडिया में कई सारे लोग जो धमकी दे रहे हैं उसकी वजह से सिक्योरिटी दी गई है और सलमान को सिक्योरिटी डेफिनेटली इसीलिए मिली है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने खुलेआम धमकी दी है। तो अब देखते हैं कि आखिरकार ये सिक्योरिटी वाली जो चीज़ें निकल के आ रही हैं और आखिरकार सलमान खान कब फ्रीली होकर घूमेंगे ये तो पता नहीं, पर लोग टाइगर को लेकर अब बड़े सवाल उठा रहे हैं। और सुशांत की बात सब कुछ पलट गया कितनी तेज़ी से, ये किसी ने सोचा नहीं था। पहले लोगों की फिल्में हिट होती थी, लोग आराम से घूमते थे, पर सुशांत के बाद लोगों का जीना ऐसा हो गया कि भैया पहले अपनी सिक्योरिटी फिर जेट प्लस सिक्योरिटी, और कहीं ना कहीं ऐसी ही लाइफ अब चल रही है लोगों की, और साथ में फ्लॉप फिल्म और या फिर एवरेज फिल्म का बोझ लेके चलना ये आसान काम नहीं होता है। आप क्या कहेंगे, आप अपनी राय कमेंट में दीजिएगा, हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना, साथ में हमारे नया चैनल सागर मिला रिव्यू के साथ जुड़िए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और फेसबुक का भी नया चैनल आ चुका है जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।